मोहम्मद बेग है। अच्छा, क्या कर रहे हैं आप यहाँ पे मोहम्मद बेग? मैं यहाँ 3 डे कोर्स के लिए आया एक। अच्छा, तो क्या कर रहे हैं आप यहाँ पे इधर? यहाँ हम चीज़ें सीखने आए। अच्छा, क्या सीखे? हम लोग पहले एटम सीखे जी, एटम से लेके अभी हम रिमोट कंट्रोल कार बनाए। अच्छा माशाल्लाह, आप कार बनाए रिमोट कंट्रोल जी। अच्छा, आपकी एज क्या है? 10। आप कौन सी क्लास में है? सिक्स को मैं जाने वाला हूँ। मैं मोहम्मद मोइनुद्दीन जयान है। क्या कर रहे हैं आप यहाँ पे? मैं इधर इलेक्ट्रॉनिक सीखने आया था। क्या क्या सीखा पाए जब से? अभी मैं रिमोट कंट्रोल कार कैसा बनाते हैं और वाटर लेवल डिटेक्टर, लेजर सिक्योरिटी सिस्टम पूरे कैसा काम करते हैं वो सब सीखा। तो आपको आ गया वो सब बनाने जी? कौन सी क्लास में आप? मैं अभी 8th में हूँ। आप 8th में ये सब सीख गए पूरा बनाना जी? माशाल्लाह। फिर अब ज़रूरत क्या है इंजीनियरिंग वगैरह सब की? आप उनसे ज़्यादा मालूम है आपको अभी। क्या है आगे, क्या प्लान है आपका 8th 9th 10 के बाद, क्या बनना है? बड़े होकर साइंटिस्ट बनना है। साइंटिस्ट बनना है, माशाल्लाह बन गया आप ऑलमोस्ट। वैसे ही थोड़ा और कंटिन्यू करें तो। बुरहानुद्दीन, आप क्या करें यहाँ पे? हम थोड़े बहुत प्रोजेक्ट्स बनाए, जैसा कि वाटर इंडिकेटर लेवल, लाइट ब्लिंकिंग सिस्टम और RC रिमोट कंट्रोल कार जी, वैसा कुछ चीज़ें बनाए हम लोग यहाँ। अच्छा, तो ये क्या है? ये RC रिमोट कंट्रोल कार। अच्छा, कैसा बनाया आप ये पहले? अपन को गैजेट्स पहले ही दिए थे हम लोग, वो मोटर वो फिट करके टायर्स वो लगा के कनेक्शन दे देने का है। अपन अपनी तरफ से भी और मॉडिफाई कर सकते हैं, जैसे LED ब्लिंकिंग सिस्टम लगा सकते हैं, बजर के साथ वो मूविंग विद बजर वो लगा सकते हैं, और बहुत कुछ कर सकते हैं। आप क्या सीखे इधर आज से? लेदर सिक्योरिटी अलार्म और वाटर इंडिकेटर लेवल जी, और RC कार। आपका फेवरेट क्या था पूरों में? RC कार। तो आप इसको कैसा बना? मैं पहले ये जो मोटर्स है उन लोग को इसको फिक्स कर डाला, नट्स टाइट कर डाला, उसके बाद में टायर लगाया, फिर यहाँ पर एक टायर लगाया, फिर नहीं ये तो ये नेगेटिव एयर है और पॉजिटिव एयर है, उसको मोटर से कनेक्ट करके ये स्विच है, ये स्विच उससे कनेक्ट कर डाला जी, ऐसे के बाद में देख सकते हैं जी जी जी, ऐसे करके फिर यहाँ बैटरी लगा डाला। अच्छा, इससे इसको रखे तो स्टेड जाती गाड़ी, अगर मूव करे तो टर्न होती। अच्छा, सैयद अहमद रजा। क्या एज है आपकी? 8। आपका नाम? मोहम्मद अतीबुर रहमान। आपकी एज क्या है? 8। तो आप क्या बनाए? क्या बोलते हैं ये बनाए, क्या बोलते हैं इलेक्ट्रिक का वो जी लेजर लाइट। अच्छा, आप क्या बनाए? मैं RC का है। अच्छा, आप यहाँ पे आए जब से आप क्या क्या बनाना सीखे आप? मैं जी लेजर सिक्योरिटी सिस्टम जी, वाटर लेवल इंडिकेटर ओके, और थोड़ी बहुत RC कार। थोड़ी बहुत RC कार आ गए आपको, आप 8 साल के हैं, आप इतना सब आ गया एज पे माशाल्लाह। आप क्या क्या सीखे? हम वो इलेक्ट्रिक का वो लगाते सही जी ये सीखे जी, और क्या बोलते हैं दूसरा और एक ऐसी सीखे जी, तो उसके बाद थोड़ा बनाने आ गया हमारे को। अच्छा, बनाने आ गया अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत अच्छा था, न्यू स्टेप और बहुत अच्छा एक्सपोजर था किड्स के लिए जी। अब आपके फर्जंद क्या एज के हैं? 8 ईयर्स के, सैयद अहमद रजा, शायद सबसे छोटा था वो ये ग्रुप में। माशाल्लाह, तो क्या क्या सीखे उन्होंने उसमें पूरे बुक के? वहाँ के पहले तो उनके लिए एटम ही नया कॉन्सेप्ट था, उन्होंने आके सब बताया, इंडक्टर कंडक्टर एक्साइटमेंट से घर में आके सब बताते थे, वाटर लेवल इंडिकेटर समथिंग। मैं खुद भी इलेक्ट्रॉनिक्स की नहीं हूँ, लेकिन ही वाज ट्राइंग टू एक्सप्लेन एवरीथिंग। तो आपको क्या लगता है ऐसे टाइप के इवेंट्स और होना चाहिए स्कूलों में हर जगह? डेफिनेटली, क्योंकि प्ले स्कूल वगैरह फिजिकल एक्टिविटीज के तो बहुत सारे चीज़ें हैं, लेकिन ये टाइम से अगर हमको डिफरेंट फील्ड्स बताएंगे तो बड़े होते होते वो लोग डिसाइड कर सकते हैं कि उनका ब्रांच क्या होना चाहिए। मेरा नाम मोहम्मद उबैदुल्लाह खान है। दिस इलेक्ट्रॉनिक समर बूट कैंप इज ऑल अबाउट इलेक्ट्रॉनिक्स, जहाँ पर बच्चों को इलेक्ट्रॉनिक्स सिखाते, कोर इलेक्ट्रॉनिक्स। ये इलेक्ट्रॉनिक्स जो हम लोग बच्चों का भी यहाँ सिखाए, जो कॉम्पोनेंट्स यूज़ कराए, वो एक इंजीनियरिंग के आजकल के एवरेज इंजीनियर बच्चों को भी नहीं मानता ये सीख है। अब ये बच्चे इट्स लास्ट डे ऑफ द बूट कैम्प, ये बच्चों को इतनी नॉलेज है कि एवरेज इंजीनियर को लोग बता सकते हैं काफ़ी सारे चीज़ें। एंड ये पूरे यूजफुल प्रोजेक्ट्स है जी, जैसा लेजर सिक्योरिटी सिस्टम है, LED ब्लिंकिंग सिस्टम है। लेजर सिक्योरिटी सिस्टम कैन बी यूज्ड एज अ सिक्योरिटी सिस्टम एट योर होम्स। वाटर लेवल इंडिकेटर कैन बी यूज्ड इन योर टैंक्स, जहाँ पर वाटर ओवरफ्लो हो रहा तो अपने को मालूम हो जाती है कि वाटर ओवरफ्लो हो रहा है, जिससे वाटर यूजेज अपन वाटर वेस्टेज कम कर सकते हैं।
कोई ऑर्गेनाइज कौन कर रहे हैं ये? सो आई एम द फाउंडर एंड सीईओ ऑफ अल्फाएड. अल्फाएड वे रिवाइव एंड मैनेज स्कूल्स. ओके, ठीक है ना. एंड ऑल्सो हम लोग पूरे नई चीज़ें सिखाते हैं बच्चों को. ट्रेडिशनल चीज़ें तो रहते ही रहते साथ में, बट न्यू टेक्नोलॉजीज, न्यू चीज़ें, जो चीज़ें इंजीनियरिंग में सिखाते हैं वो हम लोग बच्चों को अभी सिखाते हैं. अच्छा. और स्कूल को रिवाइव एंड मैनेज भी करते. कोई स्कूल है, दे आर स्ट्रगलिंग हार्ड आफ्टर कोविड, तो बहुत ज़्यादा आफ्टर पैंडेमिक तो बहुत ज़्यादा स्कूल्स शट डाउन हो गए. अभी सर्वाइव करे स्कूल्स काफ़ी मुश्किल से, तो हम लोग उनको हेल्प करते हैं, वी गेट देम एडमिशंस. वालेकुम अस्सलाम, मेरा नाम फिरोज़ है जी, और मैं SDIF से जुड़ा हुआ हूँ. SDIF है सोशल डेटा इनिशिएटिव्स फोरम, एक NGO है. क्या काम करता है SDIF? SDIF पिछले 2-2.5 साल से बना सो इदारा है. काफ़ी नया है, मगर माशाल्लाह से देव बीन एबल टू डू अ लॉट ऑफ वर्क ड्यूरिंग द कोविड क्राइसिस, ड्यूरिंग द फ्लड रिलीफ वर्क. तो जैसा आप देख सकते हैं यहाँ पे बहुत से इदारों को SDIF ने जोड़ा है. एक टेक्नोलॉजी ड्रिवन NGO है जो आजकल बहुत कम देखने को मिलते हैं. वी सी अ लॉट ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस वर्किंग ऑन द ग्राउंड, बट नन ऑफ देम रियली वर्क विद डेटा. तो हम लोग डेटा के साथ काम करते हैं जी. ठीक है. और क्या क्या एक्टिविटीज़ आप इसमें कैसा इन्वॉल्व किया? एडवेंचर पार्क केम अप विद दिस प्रपोजल कि ये लोग बच्चों को कुछ ट्रेनिंग देना चाह रहे थे, दे वर लुकिंग फॉर अ वेन्यू. तो इस पर्टिकुलर प्रोग्राम के लिए SDIF इज़ वेन्यू पार्टनर और एडवेंचर पार्क थ्रू देर होल. तो ये थी हमारी आज की रिपोर्ट इलेक्ट्रॉनिक समर बूट कैंप के ऊपर. अगर आपको ये वीडियो अच्छी दिखी तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू द सियासत डेली. दिस इज़ साम हज़ारी साइनिंग ऑफ.